इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नेटफ्लिक्स की जो सीरीज है मोगली, उसका एक पॉपुलर किरदार यानी कि बल्लू यानी कि अनिल कपूर। बहुत बहुत स्वागत है अनिल सर आपका एबीपी न्यूज में। शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप नेटफ्लिक्स की जो ये फिल्म है मोगली, उसकी हिंदी वर्जन के लिए आपने अपनी आवाज दी है बल्लू के रूप में, कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि जब आप अपनी अपनी फिल्म के लिए अपनी आवाज डब करते हैं वो एक अलग चीज होती है, लेकिन किसी और किरदार के लिए और वो भी जो एनिमेशन है उसके लिए आवाज देना, कितना नया एक्सपीरियंस था और क्या चैलेंजिंग था आपके लिए? डेफिनेटली ये मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। काफी यू नो मैंने अलग अलग तरीके से आवाजें दी हैं, जबकि मिस्टर इंडिया में, अगर आपको याद है मिस्टर इंडिया फिल्म, तो उसमें मैं काफ़ी वक्त फिल्म के काफ़ी फुटेज में मैंने सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, तो कहीं ना कहीं वो एक किस्म का लोगों के इमेजिनेशन के लिए था कि मिस्टर इंडिया की ऐसी आवाज़ होगी। जैसे रियल लाइफ में वो जब किरदार था तो अलग था, और जब मिस्टर इंडिया इनविजिबल होता है तो उसकी एक किस्म की, तो कहीं ना कहीं वो, इतने साल पहले मैं जो पहला मेरा वो एक्सपीरियंस था वॉइस ओवर देने का, तो बड़ा मज़ा आया था। मैंने बीआर में उसकी उसका वॉइस ओवर किया था, बीआर साउंड एंड म्यूजिक में। और इस बार ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बदल गई है, बेटर बेहतरी हो गई है, साउंड बेहतर हो गया है, हर चीज़ बेहतर हो गई। उससे बीच में मैंने एक आध फैमिली का एक एनिमेशन, बड़ा पॉपुलर एनिमेशन शो है, वो मैंने किया है लॉस एंजलिस में, उसकी मैंने उसका वॉइस ओवर किया था। अच्छा। गेस्ट अपियरेंस में मैंने किया था उसमें, एंड कुछ एक आध दो दूसरे भी चीज़ों में मैंने वॉइस किया था। पर ये इसका एक्सपीरियंस बड़ा कमाल का था, क्योंकि जो लोग इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही रिस्पेक्टेड लोग हैं, जैसे कि एंडी सर्कस जो डायरेक्टर है इस फिल्म का, जिन्होंने बल्लू का किरदार अंग्रेजी फिल्म में भी खुद उन्होंने उसे निभाया है और उनको आवाज़ दी है। तो जब मुझे पता चला कि ये मुझे जब ऑफर हुई तो मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि ये ज़बरदस्त चैलेंज होगा कि मैं जब जाऊँगा, और जब मैं गया साउंड थिएटर में, आप देखना मैंने उसकी, उन्होंने काफ़ी शूट किया है मुझे मैं काम करते हुए, डबिंग करते हुए, तो आपको पता चला कि मैंने कितना मजा किया। और वाकई, क्योंकि आपके पास क्या, आप अकेले हैं, माइक के सामने हैं, और आपको इमेजिन करना पड़ता है, फील करना पड़ता है, और ये जो किरदार है मोगली में बल्लू का, वो काफी टेक्सचर्ड है, काफी लेयर्ड है, तो और मजा आया मुझे। अनिल सर, आप 40 साल से हिंदी फिल्मों में काम कर रहे हैं, आपने हॉलीवुड की फिल्म भी की है, टेलीविजन शो 24 भी किया था जिसकी बहुत चर्चा हुई है, अब आप नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं सिलेक्शन डे, मोगली के लिए आपने आवाज भी दी है, किस तरह से अपने करियर को देखते हैं ये 40 साल आपने गुजारे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है शायद, फिल्में प्रोड्यूस भी करते हैं आप, ऐसा मतलब सब कुछ किया हुआ है, तो आप अपने करियर को किस तरह से देखते हैं, अगर मैं कहूं कि अगर ब्रीफ में आप उसको सम अप करें? मैं सम अप करना भी नहीं चाहता और सोचना भी नहीं चाहता और मैं सोचता भी नहीं हूं, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूं कि पीछे मुड़ के नहीं देखूं, सिर्फ जो प्रेजेंट है उस पर ध्यान दूं। इस वक्त मैं मोगली के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, आज मुझे मौका मिल रहा है, यू नो जो अंग्रेजी फिल्म के किरदार हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा, क्रिश्चियन बेल जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, एंडी सर्कस जो डायरेक्टर है, तो उनसे मिलने के लिए काफ़ी उत्सुकता है मुझे। फिर इसका रेड कार्पेट है, फिर उसकी स्क्रीनिंग है, मैंने ट्रेलर भी अभी तक हिंदी ट्रेलर देखा नहीं है, तो मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं प्रेजेंट पे हमेशा फोकस करता हूँ, फिर ऑब्वियसली इसके बाद जैसे कि आपने कहा मुझे कि एक शो है जिनसे हमारी कंपनी जुड़ी हुई है, सिलेक्शन डे, वो 28 दिसंबर को एयर होने वाला है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड फरवरी में मेरी दो फिल्में रिलीज हो रही हैं, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा विनोद चोपड़ा साहब के साथ, उनकी बहन ने शैली ने उसे डायरेक्ट किया, राजू ईरानी और विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस की है फिल्म, तो वो मेरे ख्याल से पहली दफा आप सोनम के साथ, सोनम के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर मेरी फिल्म तोड़ धमाल भी रिलीज हो रही है उसी महीने, तो कहीं ना कहीं काफी एक्साइटिंग कुछ महीने आगे के हैं। मतलब यू आर जस्ट अनस्टॉपेबल, इट्स नॉट द, आई होप दैट आई वोंट से आई एम अनस्टॉपेबल, बट आई होप नथिंग कि ऊपर वाला का आशीर्वाद हो और कोई ऐसे किसी अड़चने ना आए कि मुझे यू नो कि मुझे हमेशा काम अच्छा मिलता रहे और काम करता रहूं मैं, यही मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है बस। अनिल सर, मोगली फिल्म के साथ एक बहुत एक्साइटिंग बात यह भी जुड़ी जुड़ी हुई है कि इसे बॉलीवुड के तमाम सितारों ने अपनी आवाज़ दी है, करीना कपूर हो, चाहे अभिषेक बच्चन हो, जैकी सर हो जिनके साथ आपने काफ़ी काम किया, माधुरी दीक्षित के साथ आपने काफ़ी काम किया, इस कोलैबोरेशन को कैसे देखते हैं आप, किस सब
इतनी बड़ी बड़े नाम जो है, इतने बड़े बड़े नाम मोगली फिल्म के साथ जुड़े हुए। सुनने में आया कि सबने बहुत बेहतरीन डबिंग की है, क्योंकि मैंने आधे साल से सब यही पूछा कि कैसा काम हुआ है, तो सबने बहुत खुश हैं, सब नेटफ्लिक्स वाले बड़े खुश हैं काम से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ सितारे हमारे मिलते हैं जो जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हैं। तो मुझे आई बिलीव इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट आई बिलीव इन स्टार्स ऑल्सो। सो कुछ ना कुछ ऐसा है कि शायद कुछ सितारे हमारे मिल गए हैं और कुछ अच्छा काम हो गया है, और हमारी खुशनसीबी है कि हम सबको इतने इस अच्छे शो में, अच्छी फिल्म में काम करने का मौका मिला। बस जाते जाते आखिरी सवाल, आपने बताया कि आप आगे जो जो प्रोजेक्ट्स इंडिया में कर रहे हैं, सिलेक्शन डे प्रोड्यूस कर रहे हैं और हिंदी फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, आपने मिशन इम्पॉसिबल जैसी और स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी फिल्मों में काम किया, और अगर हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ पूछा जाए, कुछ आप आगे कर रहे हैं तो कुछ बताना चाहेंगे आप? इस वक्त तो मैं मैटर फैक्ट यही काम कर रहा हूँ, कुछ हिंदी फिल्मों में काम कर रहा हूँ। हॉलीवुड का इस वक्त कुछ कोई ऐसी फिल्म नहीं है, कोई ऐसा शो नहीं है जिसके बारे में बात कर सकूं। अनिल सर, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।